नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं जलेबी चौक पर और हमारे साथ हैं एएसआई दिलबाग सिंह। इनसे पता करते हैं ट्रैफिक के लिए इनके पास क्या रूल्स हैं, क्या मास्क की इधर चेकिंग हो रही है, कैसे वो क्राउड को कवर कर पा रहे हैं। तो हमारे साथ हैं दिलबाग सिंह, उनसे जानते हैं कुछ बातें। दिलबाग सिंह जी, आप यहाँ पे पोस्टेड हैं, क्या ड्यूटी लगी है आपके यहाँ पर? सर, यहाँ हमारी चेकिंग है, टिकट चेकिंग है, जिसमें ज़्यादा जैसे पब्लिक को समझाना, मास्क के बारे में जानकारी देना, भाई मास्क लगाना, इससे COVID-19 के बारे में, महामारी के बारे में बताना, और ज़्यादा ई रक्षा इनको बताना भी, 4 से ज़्यादा सवारी नहीं बैठाना और आगे नहीं बैठाना, और पब्लिक को इसके बारे में जागरूक करना। जी, चालान काटने को सरकार ने अभी बहुत सारे नियम बना दिए हैं कि मास्क अगर कोई नहीं पहनता तो उनका चालान होना चाहिए, तो क्या नियम और कानून है जिसके बारे में आपको जानकारी है? जी, COVID-19 की हमारे चालान बहुत दे रखे, हमारे संसद साहब होता है, हम उसके हेल्प से उसके थ्रू चालान भी करवाते हैं, जो विदाउट मास्क होता है वो चालान करवाते हैं, हम करते हैं और उनको वेरीफाई करते हैं भविष्य में, भाई ऐसी गलती ना करना, क्या एक साथ सारी बीमारी 1 से 2, 2 से 4 ऐसे फैलती है संपर्क आने से, इसके बारे में जानकारी देते हैं। एक आदमी चालान अगर मास्क नहीं पहनता है तो उसका कितने रुपए का चालान है? सर, 100 रुपये, मतलब 500 रुपये का। जी, 500 रुपीज़ का 500 रुपये चालान है, वो करते हैं इसको। अगर कोई पे नहीं कर पाता है, अगर किसी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है और उसके पास चालान के लिए भी पैसे नहीं है, तो उसको क्या सजा है? सजा तो ये है, जिसको समझाते जाते अपने परिवार से मान नज़दीक के अक्सर मंगा लेते हैं, जो कहती है पैसे नहीं है उसके बारे में आप कहते भाई अपने आगे भविष्य में या तो पहनो या अपने पेमेंट चलाने करने पड़ेंगे, कैसे करो। तो बहुत सारे लोग हैं, हम लोग कल से देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है, तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास सजा का कोई प्रावधान नहीं है, तो क्या पूरे दिन उनको बिठाए रखेंगे? ना जी, पूरे दिन तो नहीं बिठा सकते, लेकिन हम उसको समझाते हैं भाई अपना चलान अपना जो है पे करिए, चाहे अपने परिवार के बुलाओ किसी ने, पर फ्यूचर में ऐसी गलती फिर मत करना, यह प्रावधान। कुल मिला के आप अवेयर कर देते हैं अगर किसी के पास चलान के लिए पैसे नहीं होते तो? अवेयर तो नहीं करते, पर कोशिश करते चलान करने की, पूरी कोशिश करते हैं, अनुमान 100 में से 90% के पास पैसे मिल ही जाते हैं, 10% जो ऐसे है उसको आगे लिए कहते भी आगे जो है ऐसी बात नहीं चलेगी, अगर चलान करें अपने चलान जो है मास्क खरीदिए और पहनिए। पूरी दिल्ली में आप जैसी बहुत सारी जगह पर ड्यूटियाँ लगी होंगी, तो लगभग कितने पॉइंट्स हैं पूरी दिल्ली के अंदर? सर, दिल्ली के अंदर तो हर थाने हैं, दिल्ली में 86 थाने करीब है, हर थाने में 4-5 पॉइंट होते हैं, लगा लो आप मेरे हाल में 350 के, मेरे फिगर तो नहीं है, लगभग 300-400 के बीच में पॉइंट तो है। आपकी नज़र में, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, आपकी नज़र में लगभग कितने चालान आप एक दिन में कर देते हैं? सर, हर इस चौक के हमारे 10-12 चालान हो जाते हैं, अब तो और कम हो गए, लोग ज़्यादा पहनने लगे, पहले थे तो बहुत कम हो गए, 2 या 4 होते हैं ना, पहले ज़्यादा होते थे, लोगों में जागती आ गई, मतलब समझदारी आ गई, हमने चलान ये मास्क पहनने लगे, देखो आप भी देख लेना, हमारे का कोई विदाउट चलान नहीं है यहाँ पर, विदाउट मास्क नहीं है, सॉरी। देखिए, बहुत खतरनाक ड्यूटी है आपकी, क्योंकि आपको उन्हीं लोगों को पकड़ना है जिन्होंने मास्क नहीं पहन सकता। हाँ। हो सकता है कोई भी कोविड का इन्फेक्शन लेके आपका आया हो, तो आपको कभी डर नहीं लगता कि आपके भी परिवार में लोग हैं, बच्चे हैं? बिल्कुल सर लगता है, लेकिन हम सैनिटाइजर बार बार करते हैं, सैनिटाइजर भी रखते हैं और उसे उचित दूरी बनाते हैं, जो नहीं मानता हाथ भी लगते हैं, अपने हाथों ने सैनिटाइजर कर देते हैं, साबुन वाश करते रहते हैं, भय तो है लेकिन अपना बचाव रखते हैं, 2 फुट की दूरी, 2 गज की जैसे नियम है उनसे दूरी रखते हैं, और अपने मुंह पर कभी हाथ नहीं लगाते, कितने मुँह ने बचा कर रखते हैं, मुँह और नाक में। आपके परिवार का क्या मत रहता है जब आपको ऐसी ड्यूटी मिल जाती है, तो वो लोग डरे नहीं रहते? सर, अब तो नहीं, पहले शुरू में चला था, तो यार रूटीन में आ गई, भय भी कम हो गया, और हमारे हिसाब से लोग समझ गए, दूरी बनाते हैं, जैसे भाई अपने कपड़ों को अपने हाथ से दूरी, उचित दूरी पर रहते हैं लोग, अरे परिवार में भी बहुत आदमी। तो यहाँ पर ड्यूटी की आपकी क्या टाइमिंग है? सर, मेरी 8:30 से 8:30 12 घंटे की ड्यूटी है। तो क्या ये चालान का जो सिलसिला रहता है वो रात को भी लागू रहता है? सर, ये तो जो सनसेट है 7 को तो नहीं है, दिन में तो रहता है, रात में तो अलग होते, रात का तो के बारे में तो अलग चेकिंग लगा जब होते हैं जी, रात की चेकिंग अलग होती है। तो हम लोग खड़े थे जलेबी चौक पर और हमारे साथ थे अभी एक पुलिस अफसर जो इस चेकिंग में लगे हुए हैं, बगैर खौफ के, बगैर डर के, बगैर कोरोना के परेशानी के, और लोगों की सेवा में। और मैं हूँ राजेश आर्या, बड़े चुनौती न्यूज़,
मेरे कैमरामैन जितिन के साथ।